नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा धामपुर SDM धीरेन्द्र कुमार सिंह को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। आपको बताते चले, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। विकलांग पेंशन, विकलांग बिजली के नए पुराने बिल माफ किए जाएं, तहसील स्तर पर रजाई व कंबल वितरित किए जाएं, विकलांगों को आवास दिलाए जाएं, अन्य कई मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। जो हमसे टकराएगा हम जैसा हो जाएगा जैसे नारे लगाए। देखो योगी मोदी का खेल, खा गए शक्कर भी गए तेल जैसे भी जोरदार नारे लगाए। रिपोर्टर दिनेश कुमार प्रजापति, थामपुर जनपद बिजनौर। पाइट शाहिद अलवी राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय विकलांग पार्टी जनपद बिजनौर। नाम है आपका? मास्टर सैयद अलवी, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी से प्रदेश सचिव। आज जो धामपुर SDM को ज्ञापन सौंपा है, क्या है मामला पूरा? देखिए मामला ये है, ब्लॉक स्तर से लेकर तहसील स्तर तक और फिर जिले स्तर तक हम प्रदर्शन करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। समस्या इस प्रकार है कि जो विकलांग वृद्ध विधवा हैं, इनके बिल इतने बढ़ा चढ़ा करके भेज रखे हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल माफ़ होने चाहिए। जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ होने चाहिए। दूसरी समस्या ये, अभी तक विकलांगों को आवास भी नहीं दिए गए जिस हिसाब से देने चाहिए थे। समस्या ये है, और अंत्योदय से राशन कार्ड का जो सोल्यूशन सरकार ने कर भी लिया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है।